जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजस्थान बिजली विभाग भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन आपका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर RVUNL बोलते हैं। जॉब कैटेगरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है, यानी कि भर्ती राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। पोस्ट नेम यहाँ पर आपके जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, पर्सनल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, हेल्पर एंड फोर्थ क्लास वर्कर, ये आपके पद निकाले गए हैं। और जो वैकेंसीज आपकी टोटल मिलाकर के 83 है। पे स्केल आपको क्या दिया जाएगा, ये आपको आगे मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाने वाला हूँ। वर्क लोकेशन आपके राजस्थान रहने वाली है, यानी कि आपके सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग राजस्थान के अंदर होगी। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी RERC.rajasthan.gov.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप इसके बारे में अपकमिंग अपडेट जान पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको सबसे ज़रूरी बात ये बता दूँ कि ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भर्ती नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। ये आपकी रिजर्व डेप्यूटेशन बेस पर भर्ती निकाली गई है, जिसका प्रूफ अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। पहले आप यहां पर दोस्तों कैटेगरी वाइज कह लीजिए या फिर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल देख लीजिए, आपके किस पोस्ट के लिए कितने पद वो यहां पर आपको देखने को मिल पा रहे हैं। अब चलिए डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, और आप यहां पर चेक कर सकते हो विपरीत प्रतिनियुक्ति यानी कि रिजर्व डेप्यूटेशन। इसमें इसका मतलब ये होता है कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते। आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली कितने पद है, और उस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। साथ ही इस पोस्ट पर आपको किस लेवल का जो सैलरी है या फिर पे स्केल है वो आपको दिया जाएगा, वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर आवेदन करने के लिए आपसे कम से कम 5वीं क्लास की योग्यता मांगी है, और साथ ही आपको देवनागरी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और जो आपकी बाकी पोस्ट है, निजी सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक, इन पर आवेदन करने के लिए आपसे सीनियर हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास की योग्यता और जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे आने पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, जो कि आपको फिलअप करना है, और आप यहाँ पर भी देख लीजिए। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे तो सबसे ऊपर आ रहा है अधिकारी का नाम, यानी कि आप पहले किस पोस्ट पर काम करते हो उस पोस्ट का नाम आपको देना है, फिर आपको पिता का नाम देना है, साथ ही आपको वर्तमान पद एवं कार्यालय का पता देना है। तो आपको इस प्रकार से जानकारी भरनी है, जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही भर पाएंगे। तो ये आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से फिलअप किया जाएगा। पर अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, जिसमें कि मैं आपको डिटेल्ड में जानकारी दूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप इस बारे में कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर दोस्तों, आपका जो वैकेंसी का विवरण है यानी कि डिटेल है, अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो कि किस कार्यालय के अंदर आपकी ये पोस्ट निकाली गई है। सभी की अलग अलग कार्यालय के अंदर वैकेंसी है, और वो कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर अच्छे से देखने को मिल जाएगा। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, ताकि आप जानकारी अच्छे से चेक कर लें। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि आप लोग इसमें कब तक आवेदन कर सकते हो, तो दोस्तों आप लोग इसमें 31 मार्च 2020 शाम 6 बजे तक आवेदन कर पाओगे, यानी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज पाओगे, जो कि आपको जो नीचे आपको एड्रेस दिया जा रहा है, इस एड्रेस के ऊपर भेजना होगा। तो दोस्तों, बस यही थी जानकारी, और आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।